आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत खंड का पाठ है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यह चैप्टर वीरह वीरेण पूजते, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। और इस पाठ का यहाँ पर आप देख लीजिए दूसरा गद्यांश जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, यह गद्यांश यानी जो संवाद है यहाँ से स्टार्ट होता है। अंधिराजा सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य, और यह जो संवाद है दूसरा संवाद यानी दूसरा गद्यांश कह सकते हैं आप, नाट्यखंड है यह, और यह परस्परम द्रुहंत यहाँ तक है। तो इसका आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी अनुवाद बताऊंगा बिल्कुल सरल तरीके से कि कैसे आपको हिंदी अनुवाद इसका लिखना है और कैसे आपको इसका संदर्भ लिखना है। यह बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका जो पहला गद्यांश था यानी पहला जो नाट्य संवाद है, इसका मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में, आप ध्यान दीजिएगा, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको इस पाठ का जो पहला है नाट्य संवाद इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। और साथ ही जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण पाठ है वाराणसी, आप ध्यान दीजिएगा वाराणसी, जिसका मैंने संपूर्ण व्याख्यान यानी इस पाठ को मैंने पूरा पढ़ा दिया है, प्रत्येक गद्यांश का आपको हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है चैनल की प्लेलिस्ट में, आप जरूर देख लें। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद जो हिंदी व्याकरण है, जी हाँ हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के सभी वीडियो देख लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। मैंने जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसी को प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए यहाँ पर जो दूसरा है, यहाँ पर नाट्यखंड अंधिराजा सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य, इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो इसका जो है शुरुआती शब्दों को आपको लिख लेना है और जो अंतिम का शब्द है कुछ इस तरीके से आपको अपनी नोट्स पर या अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखना है, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे अंधिराजा और अंतिम का शब्द क्या है द्रुहंत, तो इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और क्या हो जाएगा संदर्भ, बिल्कुल आसान है, प्रस्तुत संवाद, प्रस्तुत संवाद हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है के वीरह वीरेण पूजते, और पाठ का नाम भी आप काले पेन से ही लिखेंगे और यहाँ पर आप ध्यान देंगे हिंदी अनुवाद भी आपको ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालना है, आप रेड पेन का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं करेंगे और सिर्फ काला पेन और नीला पेन का ही इस्तेमाल करना है। तो अंधिराजा शुरुआत के शब्दों को मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पर अंतिम के शब्दों को लिख दिया, फिर मैंने हेडिंग डाली संदर्भ, और आप यही संदर्भ जो यहाँ पर है इस पाठ के किसी भी गद्यांश के अंतर्गत लिख सकते हैं। प्रस्तुत संवाद हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के वीरह वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है और इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो अब आप इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है अंधिराजा सम्राट वाचाल एस हंतव्य, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि आंधी कहता है सम्राट वाचाल मारने योग्य है, सम्राट वाचाल मारने योग्य है, अर्थात सम्राट वाचाल एस हंतव्य सेनापति, सेनापति क्या कहता है आदि सत सम्राट, अर्थात आदेश दीजिए सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट, यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अलछेद्रा अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजा, क्या कहता है सिकंदर कि अच्छा पुरुराज तुमने जो मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिया उसमें तुम्हारा विचार क्या था, तुमने जो मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिया
उसमें तुम्हारा क्या विचार था, यानी तुमने मेरी मित्रता की संधि को क्यों अस्वीकार कर दिया। तो इसमें पुरुराज क्या कहता है कि स्वराजस्य रक्षा राष्ट्र दोहश्च मुक्ति। पुरुराज क्या कहता है कि स्वराजस्य रक्षा और राष्ट्र दोहश्च मुक्ति, अर्थात अपने राज की रक्षा और राष्ट्र दोह से छुटकारा पाने के लिए मैंने आपकी मित्रता को स्वीकार नहीं किया था। इस पर सिकंदर क्या कहता है कि अल छेद्रह मैत्री कारणे अपि राष्ट्र दोहा। सिकंदर क्या कहता है कि मित्रता करने में भी राष्ट्र दोह होता है, मित्रता करने में भी क्या होता है, राष्ट्र दोह होता है। पुरुराज कहता है आम राष्ट्र दोहा यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुनी चात्र राज्यान बहवश्च शासका। क्या कहता है पुरुराज, हाँ राष्ट्र दोह होता है यवनराज, यह भारत एक राष्ट्र है, यह भारत एक क्या है, राष्ट्र है, यहाँ अनेक राज्य हैं और उनके अनेक शासक हैं, यहाँ अनेक राज्य हैं और उनके अनेक शासक हैं। त्वाम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छासि, और तुम मित्रता की संधि द्वारा, तुम मित्रता की संधि द्वारा उसमें फूट डालकर भारत को जीतने की इच्छा कर रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है आम्भिका चास प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिका चास प्रत्यक्षम प्रमाणम, अर्थात आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आम्भिक इसका क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगे लिखा हुआ है गद्यांश के अंतर्गत अल छेद्रह भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम इह तावत राजानः जना चा परस्परम द्रोह हन्ति। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि भारत एक राष्ट्र है, यह तो तुम्हारा विपरीत कथन है, यहाँ पर राजा और जनता आपस में द्रोह करते हैं, आपस में क्या करते हैं, द्रोह करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का जो दूसरा यहाँ पर संवाद है इसका भी सरल हिंदी अनुवाद बता दिया है, और अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जो तीसरा और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, इनका हिंदी अनुवाद और संदर्भ बताऊंगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत।